इंदौर पुलिस विभाग लगातार फरार भूमाफियाओं को पकड़ने के लिए एक और इनाम की राशि बढ़ाने की ओर विचार कर रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अब सार्वजनिक स्थानों पर फरार भूमाफियाओं के वांटेड पोस्टर लगाने का फैसला लिया है। शहर के कई बड़े भूमाफिया जैसे चंपू अजमेरा चिराग शाह जैसे बड़े भूमाफिया अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस इन पर 20,000 से लेकर 1,25,000 रुपए तक का इनाम घोषित कर चुके हैं, लेकिन अब तक इन्हें पकड़ने में पुलिस असफल रही है। पुलिस को मुखबिर से भी कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर पुलिस अब आम जनता का सहारा लेना चाह रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर इन सभी भूमाफियाओं के पोस्टर बनवाकर वांटेड पोस्टर लगवाए जाएंगे और इनका पता बताने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। अभी ये जितने भी जो प्रकरण हुए हैं जो भूमाफिया के अंतर्गत जो अपराध पंजीबद्ध हुए हैं उनमें ये लोग जो फरार आरोपी हैं उनके इनाम को बढ़ाने की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। उसमें जल्दी इनाम की घोषणा होगी, इसमें ज़्यादा बढ़ा हुआ इनाम की घोषणा होगी। इसके अलावा भी चूँकि ये लोग इंदौर जिले में तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है, चूँकि लगातार इनकी सर्चिंग की जा रही है, इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो चूँकि अभी इंदौर में तो इनका ये अभी है नहीं, ये फरार है इंदौर से, तो ऐसी स्थिति में आसपास के जिलों में और भी इंटरस्टेट में भी कम्युनिकेशन करते हुए इन सबके जो भी जो एडवर्टाइज किया जाकर इनके जो जो भी फोटो है और जो इनाम की राशि जो बढ़ाई जो प्रक्रिया में है, जो इनाम की राशि जितनी है उसके आधार पर ये पोस्टर्स लगाए जाकर और इंटरस्टेट में भी, दूसरे राज्यों में भी और प्लस यहाँ पर जो जितने भी जो आसपास के जिले हैं उनमें चस्पा किया जाकर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाए।